नमस्कार दोस्तों, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव। चलिए दोस्तों, आज इस बेहतरीन सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस बेहतरीन सेशन में दोस्तों आज हम लोग एक मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर SBIPO प्रीलिम्स 2020 में आया था। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस को आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पजल है हमारा 8 पर्सन नेमली, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट वन पर्सन इच सिट ऑन द मिडिल ऑफ द एज एंड वन पर्सन सिट इच ऑन द कॉर्नर। द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडिल ऑफ द एज आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो बीच में बैठ रहे हैं, एजेस के बीच में जो बैठ रहे हैं, वो सेंटर के अवे फेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। एंड द पर्सन सिटिंग द कॉर्नर आर फेसिंग द सेंटर, मतलब इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टेबल में कौन अंदर बैठ रहा है? जो बीच में बैठ रहा है, ठीक है, वो कहां फेस, किधर फेस कर रहा है? आउटसाइड की तरफ। जो कॉर्नर पे बैठ रहा है वो इनसाइड की तरफ। इसी तरह इस साइड भी होगा, इसी तरह इस कॉर्नर पे भी होगा, ठीक है। तो एजेस पे जो बैठ रहे हैं वो कहां किधर फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। और जो साइड पे बैठ रहे हैं वो जो है, सॉरी, जो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। और जो एजेस पे बैठ रहे हैं वो इनसाइड, मतलब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बी सिट्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल, ठीक है, बी बोल रहा है कि मिडिल ऑफ द टेबल बैठ रहा है, मतलब बी को मान लेते हैं हम यहां बैठ रहा होगा, ठीक है। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, तो एक पर्सन बैठ रहा है बी और ई के बीच में। चलिए मान लेते हैं बी और ई, या तो ई कहां बैठ सकता है? यहां बैठ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी कहां बन सकता है? एक यहां बन सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी कहां बन सकता है? यहां पे बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो टेबल हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि दो केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं। इधर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, इधर आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है। जो कॉर्नर पे है वो सेंटर की तरफ फेस करेगा, जो एजेस पे है वो आउटसाइड की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैंने मान लिया बी यहां बैठ रहा है, तो इस केस में, केस नंबर वन में मान लेते ई यहां इधर बैठ रहा है, तो सेकेंड केस में ई किधर बैठेगा? यहां पे बैठ रहा है। ये तो नहीं बताया जा रहा है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेकिन बी और ई के बीच में बोल रहा है कि एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ए जो है ई के थर्ड टू द राइट में बैठ रहा है। तो केस नंबर वन में देखिएगा, अगर ई का पोजिशन यहां पे है तो ए का पोजिशन थर्ड टू द राइट मतलब किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ए कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। इसी तरह सेकेंड केस में देखिएगा, ई का पोजिशन इधर है, अगर यहां पे है तो राइट साइड, ई का राइट साइड किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो ए कहां बैठेगा? यहां बैठेगा, थर्ड टू द राइट, वन टू थ्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है? थ्री पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं? थ्री पर्सन बैठ रहे हैं। तो ए केस वन में बात कर रहा हूं, केस वन में ए इस कॉर्नर पे बैठ रहा है, तो एफ किस कॉर्नर पे बैठेगा? एफ इस कॉर्नर पे, क्योंकि ए और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं? तीन पर्सन बैठ रहे हैं। तो वन टू थ्री, अगर इस साइड से भी देखेगा, दूसरे साइड से भी, तो वन टू थ्री। नाउ ए अगर यहां पे बैठ रहा है सेकंड केस में, एफ कहां बैठेगा? इस अपोजिट ऑफ ए, तो अपोजिट कॉर्नर जो होगा ए का, उस कॉर्नर पे एफ बैठेगा, ठीक है। नाउ वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच में कितने पर्सन बैठ रहे हैं? एक पर्सन बैठ रहे, ठीक है। एफ का पोजिशन तो हमें पता है यहां पे, जी का पोजिशन कहां कहां बन सकता है? जी का पोजिशन यहां बन सकता है, ठीक है। जी का पोजिशन इस कॉर्नर पे बन सकता है, ठीक है, और जी का पोजिशन केस वन में यहां पर भी बन सकता है, ठीक है। तो मुझे दो पॉसिबिलिटी बन रही है केस वन में, ठीक है। चलिए मैं अब इसके लिए दो अलग से टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा, इसी में एक कॉर्नर में लिख दिया, जी का पोजीशन यहां बन रहा है, जी का पोजीशन कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड केस में आइए, तो एफ और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? दो पर्सन बैठे हैं। तो एफ इस कॉर्नर पे बैठा हुआ, तो जी का पोजीशन कहां बनेगा? इस यहां पे जी का पॉसिबिलिटी बन सकता है, दूसरा जो है इस कॉर्नर में जी का पॉसिबिलिटी, मतलब यहां पे भी दो केसेस बन रहे हैं केस नंबर टू से भी, ठीक है। एच एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स। अब क्या बोल रहा है? एच और जी जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है। नाउ देखिएगा, अब हम केस नंबर वन में बात कर रहे हैं, केस वन की बात कर रहे हैं। अगर मेरा जी का पोजिशन यहां बना, अगर मैं जी का पोजिशन इस कॉर्नर पे ले रहा हूं, एफ और जी के बीच में कितने पर्सन है? एक पर्सन बैठा हुआ, ठीक है। और जी एच, जी एंड एच जो है वो इमीडिएट नेबर्स है, तो अगर जी का पोजीशन यहां पे होगा तो एच का कहीं पे भी
जगह बन रहा है, कहीं भी पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि एच का एच जी के इमीडिएट नेबर में कोई पोजीशन खाली नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी का पोजीशन वहां पे नहीं होगा, जी का पोजीशन कहाँ होगा इस केस नंबर वन में, यहाँ पे बनेगा। एच का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, या फिर एच का पोजीशन कहाँ बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो अगेन मेरा दो केसेस बन रहा है एच के, ठीक है। एच का मेरा दो पोजीशन बन रहा है, एक तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक कहाँ बन रहा है, इस साइड, इस एज पे बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, मेरा दो केस बन रहा है एच का पोजीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस नंबर टू में देखिए, केस नंबर टू में जी का पोजीशन अगर हम यहां मानते हैं, ठीक है, जी का पोजीशन अगर हम यहां मानते हैं तो एच का पोजीशन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अगर जी का पोजीशन हम यहां मानते हैं तो एच का पोजीशन यहां हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या बन रहा है, दो केसेस बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, अब जी का पोजीशन और एच का पोजीशन तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, वो तो जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एच कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो जी अगर इस कॉर्नर पे बैठ रहा है तो एच इस एज पे बैठेगा, अगर जी इस कॉर्नर पे बैठेगा तो एच इस कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है, इस एज पे बैठ जाएगा, ठीक है। नाउ सी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है, सी क्या बोल रहा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ जी बैठेगा, ठीक है। सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, अब सी जो है एच के सेकेंड टू द राइट, ठीक है। अब देखिएगा, एच का पोजीशन यहां पे बना रहे हैं तो सी जो है कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, बैठ जाएगा। अगर एच का पोजीशन, ये तो केस बन रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है, यहां पे केस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एच का पोजीशन यहां पे बन रहा है, ठीक है, एच का पोजीशन अगर हम यहां लेते हैं तो सी जो है सेकेंड टू द राइट, सी कहां आएगा, सी का पोजीशन यहां आएगा, लेकिन यहां तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच का पोजीशन वहां नहीं बनेगा, एच का पोजीशन कहां बनेगा, एच का पोजीशन मेरा यहां बनेगा और सी का पोजीशन कहां बनेगा, ठीक है। ये एक केस हो गया, यानी मेरा यहां पे एक केस बना। चलिए अब सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में अगर हम मानते हैं कि जी यहां बैठा, ठीक है, एच यहां बैठा, ठीक है, तो सी कहां बैठ रहा है, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो सेकंड टू द राइट मतलब एच का राइट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो देखिएगा, यहां पे सेकंड पोजीशन में एच के दाईं तरफ दूसरे पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सी का पोजीशन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी और एच का पोजीशन यहां पे नहीं आएगा। चलिए अब दूसरा केस, तो इसमें और बना हुआ था, जी का पोजीशन यहां पे हो रहा है और एच का पोजीशन यहां पे हो रहा है। अब अगर एच यहां बैठ रहा है तो सी का पोजीशन कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ठीक है। चलिए अब कौन बच गया, डी बच गया, एक डी का पोजीशन यहां पे आएगा, डी का पोजीशन यहां पे आएगा, बोल रहा है सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। इस केस में देखिएगा, सी एंड डी जो है इमीडिएट नेबर्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये केस गलत हो गया, ये केस मेरा सही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बना, फाइनली कौन कहां बैठ रहा है, फाइनली हमारा बी कहां, यहां पे कौन बैठ रहा है, बी बैठ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, बी यहां पे बैठ रहा है, यहां पे कौन बैठ रहा है, ए बैठ रहा है, यहां पे कौन बैठ रहा है, एच बैठ रहा है, यहां पे कौन बैठ रहा है, जी बैठ रहा है, ठीक है, यहां पे कौन बैठ रहा है, सी बैठ रहा है, यहां पे कौन बैठ रहा है, तो एफ बैठेगा, यहां पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा, और यहां पे कौन बैठेगा, डी बैठेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पजल हमारा, चलिए नेक्स्ट पजल है हमारा ये, ठीक है। चलिए तो सेकंड नंबर पजल हम लोग देखते हैं, सेकंड पजल क्या बोल रहा है, सिक्स पर्सन, ठीक है, ए बी सी डी ई एंड एफ लॉन्चेस सिक्स डिफरेंट ड्रिंकिंग बेवरेज, दैट इज टी कॉफी फिल्टर जूस डीपर एंड सोडा एट ए शॉप ड्यूरिंग सिक्स डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई एंड दिसंबर। तो सिक्स डिफरेंट मंथ में तो सिक्स पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंकिंग बेवरेजेस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब तो हमें कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग मतलब एक फिक्स कंडीशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको एक नजर देखें, यहां से लेके एक नजर आप देखिए, उसको देख के आपको प्रैक्टिस होगी, उसको देख के आपको समझ आएगा कि आपको कौन सी फिक्स कंडीशन, ए को ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर जूसेस को लेना पड़ेगा फिक्स्ड, या फिर मंथ को लेना पड़ेगा फिक्स्ड। तो यहाँ पे मैं जब देखता हूँ इस पजल को, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं जो है मंथ को लूंगा एज अ फिक्स्ड कंडीशन, ठीक है, मंथ को एक बेस मान लूंगा,
उसी मंथ के अकॉर्डिंग मैं पॉसिबिलिटी केसेस को डिफाइन करूंगा। चलिए जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, उसके बाद है मई, ठीक है, उसके बाद जून। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा पजल पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको जो है बहुत टफ पजल्स आपसे पूछा जाएगा, बहुत सिंपल पजल पूछा जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं हूं कि आपको मैं बताते रहूंगा अपने सेशंस में, और बहुत सारे पजल्स को एग्जाम से पहले प्रीलिम्स पेपर से बहुत सारे इतने पजल सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों कि आपको जब एग्जाम दोगे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब पहला क्या है, कॉफी वॉज लॉन्च्ड इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। कॉफी कब लॉन्च हो रहा है, जब जिस मंथ में 30 डेज है। तो जनवरी में 31 डेज होता है, ठीक है, अप्रैल में 30 डेज होता है, मई में 31 डेज होता है, जून में 30 डेज होता है, ठीक है, जुलाई में 31 डेज होता है, दिसंबर में 31 डेज होता है, ठीक है। तो कॉफी कौन से डेज में, कौन से मंथ में लॉन्च किया गया, जिस मंथ में 30 डेज हो रहा है, यानी अप्रैल। एक तो केस बन रहा है कि कॉफी जो है वो अप्रैल में लॉन्च किया होगा, या फिर सेकेंड केसेस क्या बन रहा है, सेकेंड केस बन रहा है कि जून में भी लॉन्च हो सकता है कॉफी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन पर्सन लॉन्चेस बिटवीन द वन हु लॉन्चेस कॉफी एंड एफ, एफ विच इज नॉट लॉन्च्ड इन द मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो एफ एक पर्सन बैठ रहा है, कॉफी और एफ के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है, लेकिन एफ जिस भी मंथ में होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, 31 डेज नहीं होंगे, इसका मतलब कितना होगा, 30 डेज होगा। तो एफ जो होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और देखिएगा एफ कौन से मंथ में ये ड्रिंकिंग बेवरेज लॉन्च कर रहा है, जून मंथ में, जिसका नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 डेज है। इसी तरह एफ जो होगा अप्रैल में लॉन्च होगा, ठीक है, दो केस हो गया। एफ जो है कौन से मंथ में लॉन्च करेगा, वो अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में कितने नंबर ऑफ डेज है, 30 डेज है। अब ये नहीं करना है कि एफ जो है दिसंबर मंथ में लॉन्च कर देगा, दिसंबर मंथ में एफ अगर लॉन्च करता है तो दिसंबर मंथ में कितने डेज है, 31 डेज है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी, ये हमारे जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। चलिए जूस वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर, जूस का लॉन्च हो रहा है दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, चलिए जूस जो है वो दिसंबर में लॉन्च हो गया, ठीक है, दोनों केस में जूस मैंने दिसंबर में लॉन्च करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, टू पर्सन लॉन्चेस बिटवीन ए एंड द वन हु लॉन्चेस टी विच वॉज लॉन्च इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है। चलिए दो पर्सन लॉन्च, टू पर्सन लॉन्चेस, दो पर्सन लॉन्च कर रहा है बिटवीन ए एंड द वन हु लॉन्चेस टी, तो ए और टी के बीच में कितने पर्सन लॉन्च कर रहे हैं, दो पर्सन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और टी जो है वो कौन से मंथ में लॉन्च कर रहा है, जिस मंथ में 31 डेज है, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है, ठीक है, ये केस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा इस, तो एक केस, ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसको हम अभी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ए नाइदर लॉन्चेस जूस नॉर सोडा, ए जो है जूस और सोडा कुछ भी लॉन्च नहीं करता है, ठीक है। टू पर्सन लॉन्चेस बिटवीन द डी एंड द वन हु लॉन्चेस जूस, अब द दो पर्सन जूस और डी के बीच में कितने पर्सन लॉन्च कर रहे हैं, दो पर्सन लॉन्च कर रहे हैं, तो जूस का पोजीशन हमें पता है, तो डी का पोजीशन हमें पता चल जाएगा, डी का पोजीशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाए, मई में लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब इस तरह सेकेंड केस में भी डी जो है वो कौन से मंथ में लॉन्च करेगा, मई मंथ में लॉन्च करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोडा वॉज लॉन्च जस्ट आफ्टर द ड्रिंक डी, लॉन्च बाय डी हु डज नॉट लॉन्च, सोडा कब लॉन्च हो रहा है, डी के जस्ट आफ्टर, तो इसका मतलब डी यहाँ पे है, तो डी अगर मई में लॉन्च हो रहा है, डी अगर मई में लॉन्च करता है तो सोडा कब लॉन्च करेगा, जून में लॉन्च करेगा, ठीक है। इसी तरह डी मई में लॉन्च करा सेकंड केस में, तो सोडा कहां पे आएगा, यहां पे सोडा आएगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी कॉफी लॉन्च हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, केस नंबर टू मेरा गलत हो गया, सिर्फ केस नंबर वन सही है। चलिए नेक्स्ट, अब डी जो है वो क्या बोल रहा है कि फिल्टर लॉन्च नहीं करता है, डी जो है वो फिल्टर लॉन्च नहीं करता है। चलिए ये एक स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, थ्री पर्सन लॉन्चेस बिटवीन द सी एंड द वन हु लॉन्चेस फिल्टर, सी और फिल्टर के बीच में कितने पर्सन लॉन्च हो रहे हैं, तीन पर्सन, सी और फिल्टर जो है उसके बीच में तीन पर्सन होंगे जो कि अपने बेवरेजेस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। टू पर्सन लॉन्च बिटवीन द वन हु लॉन्च ड्रिपर एंड ई, ठीक है। चलिए अब मैं क्या स्टेटमेंट यूज करूंगा, ए ये वाला, ए जो है और टी के बीच में कितने पर्सन, कितने जूसेस, कितने बेवरेज लॉन्च हो रहे हैं, दो बेवरेज लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा ए जो है ना तो जूस
लॉन्च कर रहा है ना तो, देखिए ए जो है ना तो जूस लॉन्च कर रहा है ना तो सोडा लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाए, ए जो है दिसंबर में नहीं आएगा, यानी यहाँ पे ए का पोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। ए का पोजिशन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। ए का पोजिशन अगर यहाँ पे आएगा तो टी का पोजिशन कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ पे टी का पोजिशन आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉफी लॉन्च हुआ है इस मंथ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इस मंथ में लॉन्च नहीं होगा। अब ए किस मंथ में लॉन्च होगा, अगर ए इस मंथ में लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो टी कब लॉन्च होगा, 1 2 टी इस मंथ में लॉन्च होगा, ठीक है। एक ये केस बन गया। अगर दूसरा जनवरी में भी ए जो है जनवरी में भी लॉन्च कर सकता है। अब टी कब लॉन्च होगा, 1 2 टी जो है इस मंथ में जून में लॉन्च होगा, लेकिन इस मंथ में देखिएगा ऑलरेडी सोडा लॉन्च हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है कब लॉन्च कर रहा है, अप्रैल में लॉन्च कर रहा है, और कौन सा बेवरेज लॉन्च कर रहा है, कॉफी लॉन्च कर रहा है। इसी तरह टी जो हो जाएगा वो जुलाई में लॉन्च होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा। अब देखिए ये भी बोला जा रहा है कि टी जो जिस मंथ में भी लॉन्च करा उसमें 31 नंबर ऑफ डेज है, तो 31 डेज है, 31 डेज है, चलिए ये तो सही हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डी डज नॉट लॉन्च फिल्टर। डी जो है वो फिल्टर लॉन्च नहीं करता, इसका मतलब फिल्टर जो है यहां पे नहीं होगा, इसका मतलब फिल्टर जो जनवरी में लॉन्च हो रहा है, ठीक है। जी वो फिल्टर लॉन्च नहीं करता, तो अब कौन सा बेवरेज बच जाएगा, तो देखिए ड्रिपर एक बच जाएगा, ड्रिपर बच गया, क्योंकि वही एक डी जो है वो कौन लॉन्च, डी क्या लॉन्च कर रहा है, वो ड्रिपर लॉन्च कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब नेक्स्ट कौन सा यूज करेंगे हम, देखिए 2% लॉन्चेस बिटवीन द वन हु लॉन्चेस ड्रिपर एंड ई, ड्रिपर और ई के बीच में 2% लॉन्च हो रहा है, ठीक है। डी यहाँ पे 1 2 ई, तो ई का पोजिशन कहाँ आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है, ई दिसंबर में लॉन्च कर रहा है। अब एक ये केस बच गया, सी और फिल्टर के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन से, 3% से। फिल्टर तो हमारा यहां पता है, सी का पोजीशन कहां जाएगा, 1 2 3 सी, यानी टी कौन लॉन्च कर रहा है, सी लॉन्च कर रहा है। अब कौन सा पर्सन बच गया, तो एक ही पर्सन बच गया जो कि है बी, ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा केसेस आपसे बने नहीं बनेंगे, एक ही केस या मैक्सिमम 2 केस आपसे बनेंगे, वही 2 केस को लेके एक केस जो है वो लास्ट में निगलेक्ट हो जाएगा और आपके पास एक केस बनेगा, उसी पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पजल, पजल नंबर 3 क्या हमारा, 6%, ठीक है, 6% ए बी सी डी ई एंड एफ आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क विद देम, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये बहुत ही जो है ये ट्रिकी पजल होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस पजल में फंस जाते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी है कि सर इस टाइप के पजल कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज इस वीडियो में, आज इस सेशन में सीख ही लेते हैं कि इस टाइप के पजल को कैसे सॉल्व करना होता है। तो बी हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ए, ठीक है, बी के पास क्या बोल रहा है, मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ए, ठीक है। Who has more amount of milk than C? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ध्यान से एकदम पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम हड़बड़ा के क्वेश्चन को एकदम नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशियंट है, इस पजल को सॉल्व करने में 2 या 2 से 2.5 मिनट आपको लगेंगे, ठीक है। बस आप थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा, एक एक लाइन को पढ़िएगा आराम से, कुछ मिस मत कीजिएगा कोई भी लाइन को, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होता है दोस्तों कि आप कोई भी स्टेप जो है या फिर कोई लाइन आप मिस कर देते हैं, ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ना है। F has more amount of milk than E, क्या बोल रहा है, F has more amount of milk than E, fine, but less than D, तो D से कम है, ठीक है, ये हो जाएगा, fine। अब क्या बोल रहा है, E has more amount of milk than 2%, E then more amount of milk than only 2%, देखिए ये ओनली भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आपको ध्यान में, थोड़ा आराम से पढ़िएगा तो इस ओनली पे भी आप फोकस कर पाइएगा। चलिए तो कितने पर्सन है, 6% है, 1 2 3 4 5 6 6% हो गया। अब ई क्या बोल रहा है, ई हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ओनली 2%, सिर्फ 2% से ही ज्यादा है, बाकी सबसे कम अमाउंट ऑफ मिल्क ई के पास है, ठीक है। चलिए 2% से ज्यादा मिल्क है ई के पास, ठीक है। अब द पर्सन विद द सेकेंड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क हैज 41 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड हाइएस्ट ये होगा 41 लीटर, वेयर एज द पर्सन विद द सेकेंड लिस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क हैज 27 लीटर, तो 27 लीटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 27 लीटर हो जाएगा, फाइन। नाउ
नेक्स्ट क्या बोला, ऑल द पीपल हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क विद देम, एफ हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन बी, एफ के पास मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन बी, हु हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ई, अब बी के पास मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन ये, ठीक है। अब ये तीन स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3, ये तीन स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना है, कंबाइन करना है आपको पास, ठीक है। डी और एफ, डी जो है डी के पास मोर अमाउंट ऑफ मिल्क है एफ से, एफ के पास, ठीक है, एफ के पास मोर अमाउंट, ठीक है, डी के पास ज्यादा मिल्क है एफ से, और एफ के पास ज्यादा मिल्क है किससे, बी से, ठीक है, और बी के पास ज्यादा मिल्क है किससे, ई से, ठीक है। अब ए एंड सी का पोजीशन कहां पे आएगा, ठीक है, देखिए ये चार तो कंटिन्यूअसली आएगा, ठीक है। अब ई का, ई के पास जो मिल्क है, बी ए बी के पास जो मिल्क है, केस नंबर बी के पास जो मिल्क है ए एंड सी से ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है कि ई के पास ए एंड सी से ज्यादा मिल्क हो या फिर ई के पास ए एंड सी से कम मिल्क हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम डी का पूछे, यहां पे लगाएंगे डी एफ बी, ठीक है, यहां पे आ गया, कंटिन्यूअस बना कि नहीं बना, हमारा कंटिन्यूअस बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और सी बनेगा यहां पे, ए के पास सी से ज्यादा मिल्क है, तो ये हमारा कंडीशन बनेगा, ये केस बन जाएगा। तो समझे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सर, 2 मिनट में आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, पेशेंसली पढ़ना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, आराम से धीरे धीरे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगाना है लगाइए, लेकिन आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पजल नंबर 4th पजल, ठीक है, ये चार पजल, चौथा पजल है जो कि पूछा गया था, 6 पर्सन नेमली ए बी सी डी एंड ई एंड एफ वेर बॉर्न इन 3 डिफरेंट मंथ्स, दैट इज मई जून जुलाई, ठीक है, तो 3 डिफरेंट मंथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 2 डिफरेंट डेट्स, दैट इज 13 एंड 20, 13 और 12, 13 और 20 तारीख है, तो कौन कौन से मंथ है, मई महीना, मई का, ठीक है, दूसरा है जून का महीना है, ठीक है, इसमें 2 दिन में कुछ पर्सन बॉर्न होते हैं, दूसरा है जुलाई का, ठीक है, और कौन कौन से डेट है, तो 13 है और 20 है, जून में भी दो सेम डेट में 13 और 20, जुलाई में भी सेम डेट लेना है 13 एंड 20, ठीक है। चलिए चलिए अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी से, एकदम जल्दी से नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। इच पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, इम्फाल, मसूरी, शिमला, गंगटोक, शिलोंग एंड मनाली, ठीक है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न इच डेट, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ए वॉज बॉर्न ऑन ऑड डेट, ए कब बॉर्न हो रहा है, ऑड डेट पे बॉर्न हो रहा है, तो ऑड डेट कौन सा है, 13 तारीख ऑड डेट है, तो ए जो है 1 मई, 13 मई को बॉर्न हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है, ए जो है 13 जून को बॉर्न हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तो ए जो है 13 जुलाई को बॉर्न हो सकता है, ठीक है। 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, 3 पर्सन बॉर्न हो रहा है ए एंड सी का, 1, 2 एंड 3, तो सी यहां बॉर्न हो जाएगा। इस केस में तो 1, 2 एंड 3 बन रहा है, तीसरा पोजिशन आ ही नहीं रहा, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 पर्सन हो गया, यहाँ पे सी होगा, तो यहाँ कोई पोजिशन ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ये केस बन ही नहीं सकता। दूसरा केस 1, 2 एंड 3, यहाँ पे सी बैठेगा, ठीक है, सी बॉर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, सी हु बिलोंग्स टू मसूरी, सी कौन से, कहां से बिलोंग कर रहा है, मसूरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सी कहां से बिलोंग कर रहा है, केस नंबर 1 मसूरी से, केस ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ठीक है, तीसरा कोई केस नहीं है। ए एंड बी वेयर बॉर्न इन द सेम मंथ, ए और बी कौन से मंथ में, सेम मंथ में बॉर्न हो, तो ए अगर मई महीने में बॉर्न होगा तो बी भी जो है मई के मंथ में ही बॉर्न होगा, अगर ए जो है जुलाई के मंथ में बॉर्न हो रहा है तो बी भी जुलाई के मंथ में बॉर्न हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन बी एंड द वन हु बिलोंग्स टू मनाली, बी का पोजिशन हमें पता है, 2 पर्सन बॉर्न हो रहा है बी एंड द मनाली, 1, 2, मनाली यहाँ पे आएगा, मनाली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी मसूरी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, केस नंबर 1 देखें गलत हो गया, अब मेरे पास एक ही केस बचा है, बी यहाँ पे है, 1, 2, तो मनाली कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी जून 13 जुलाई को जो भी बंदा होगा, जहाँ होगा जो भी बॉर्न लिया होगा वो मनाली से बिलोंग करता है, ठीक है, मनाली यहाँ पे हो गया, फाइन। नेक्स्ट क्या है, द वन हु बिलोंग्स टू शिलोंग वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द पर्सन हु बिलोंग्स टू शिमला,
ठीक है, शिमला के बाद कौन बॉन्ड करता है, शिलोंग, जो शिलोंग से बिलोंग करता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर मैम बोल रहा है, ठीक है, नाइदर ए नॉट डी बिलोंग्स टू शिमला, अब ए और डी यहां पे नहीं होगा, ठीक है, ए एंड डी जो है शिमला से बिलोंग नहीं करते हैं, टू पर्सन वेयर बॉन्ड बिटवीन एफ एंड द वन हु बिलोंग्स टू गैंगटॉक, ठीक है, दो पर्सन बॉन्ड करते हैं बिटवीन एफ एंड द वन हु बिलोंग्स टू गैंगटॉक, ठीक है, चलिए, शिमला और शिलोंग दोनों साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो दो कंटिन्यूस वैकेंट पोजिशन मुझे चाहिए, ठीक है, देखिएगा अगर यहां पे लेते हैं शिमला तो यहां पे मनाली ऑलरेडी है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, अगर शिमला यहां पे लेते हैं ठीक है तो यहां पे शिलोंग हो जाएगा, ठीक है, अगर शिमला यहां पे लेते हैं फाइन, ये जो शिलोंग शिमला से बॉन्ड करता है तो शिलोंग कहां पे हो जाएगा, बी, तो बी जो है शिलोंग से बॉन्ड करता है, लेकिन ए एंड डी क्या बोल रहा है, ए एंड डी जो शिमला से बिलोंग नहीं करता, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला केस गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कहां से बिलोंग करता है, ए जो है मेरा शिलोंग से बिलोंग करता है, ठीक है, तो शिमला का पोजीशन कहां आ जाएगा, शिमला जो है शिमला से जो भी बिलोंग करता है वो कौन से मंथ में बॉर्न होता है, वो 20 जून को बॉर्न हो रहा है, ये हो जाएगा शिमला, ठीक है, ये हो जाएगा शिलोंग, ए जो है शिलोंग से बॉर्न बिलोंग करता है, ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, टू पर्सन विल बॉर्न बिटवीन एफ एंड द वन हु बिलोंग्स टू गैंगटॉक, ठीक है, एफ और गैंगटॉक में कितने वैकेंट, कितने पर्सन बॉर्न हो रहे हैं, दो पर्सन बॉर्न है एफ एंड गैंगटॉक के बीच में, ठीक है, तो एफ का पोजीशन कहां कहां बन सकता है, देखिएगा अब एफ अगर यहां लेते हैं, ठीक है, तो वन टू गैंगटॉक, तो यहां पे कौन है, यहां पे ऑलरेडी मसूरी में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ का पोजीशन 20 जून को नहीं होगा, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट केस लेते हैं हम, एफ अगर यहां लेते हैं तो कहीं पे बनता है, देखिएगा वन टू गैंगटॉक, यहां पे गैंगटॉक आ जाएगा, यानी बी जो है वो गैंगटॉक से बिलोंग करता है, ठीक है, तीसरा केस, चलिए तीसरा केस देखते हैं, अगर एफ यहां पे लेते हैं यानी 20 मई को लेते हैं, ठीक है, तो गैंगटॉक का पोजीशन कहां आएगा, वन टू यहां पे आएगा गैंगटॉक, तो लेकिन यहां ऑलरेडी शिलोंग से बिलोंग करता है, ठीक है, ए जो है ऑलरेडी शिलोंग से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक एफ का पोजीशन 20 मई को नहीं होगा, एफ कौन, एफ कब बॉन्ड डेट कब है, एफ जो है 13 जून को बॉन्ड होता है, ठीक है, फाइन, चलिए, और बी जो है गैंगटॉक से बिलोंग करता है, चलिए, और ये भी बोला ए एंड डी शिमला से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी जो है यहां पे होगा, यानी डी कब बॉन्ड होता है, डी जो है 20 मई को बॉन्ड होता है, अब कौन रिमेनिंग रह गया, तो एक ही बंदा रह गया जो कि है ई, ई जो है यहां पे ई जो है शिमला से बिलोंग करता है, और कौन से डेट में बॉर्न होता है, 20 जून को बॉर्न हो रहा है, और डी कहां से बिलोंग करेगा, डी मेरा बिलोंग करेगा इम्फाल से, ठीक है, इम्फाल से बॉर्न कर रहा है, तो समझे, ये चार पजल जो है वो आया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स के पेपर में SBIPO में, तो देखिए बहुत ही इजी प्रीलिम्स, बहुत ही इजी पेपर था, इसी तरह के प्रीलिम्स पेपर में इस साल भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, इतने ही सिंपल पजल आपसे पूछे जाएंगे, और ये पजल जो है 20 मार्क्स के पजल जो है वो आप 20 मिनट में या 15 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग होता है पजल, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो पजल इतना टफ नहीं आता है प्रीलिम्स में कि आप उसको स्किप कर सोचेंगे ही नहीं कि स्किप करना, आपको मजा आएगा, आप एग्जाम में जब भी बैठोगे तो आप यही सोच के बैठोगे कि पजल मुझे बनाना है, और पजल आपको बनाना ही पड़ेगा, पजल से आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आपसे पजल जो है 20 से 25 मार्क्स के पजल ही पूछे जाते हैं, तो फिर मोर देन देखें तो मोर देन 80% जो है मोर देन 80% आपसे पजल पूछा जा रहा है, तो आप कहां भागोगे, आपको यहीं से स्कोर करना ही है, आप जो पजल में स्कोर करता है उसका सिलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पजल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हेल्दी स्टे सेफ, कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है गाइस, बाय बाय।